वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बुधवार और 18 तारीख और अभी बज रहा है दोपहर का एक। और अभी आज मैं ये व्लॉग थोड़ा लेट से शूट कर रही हूँ क्योंकि कल वाला व्लॉग ही मेरा अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि कल काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो मैं बहुत थक गई थी, तो आज लेट मॉर्निंग हुआ। बादल भी बहुत कर रखा है, कल कपड़ा धुला है वो अभी तक सूखा नहीं है, मतलब सुखाने का जगह ही नहीं मिला है, पहले का कपड़ा ही गीला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा काम था जिसके चलते आज व्लॉग शूट करने में थोड़ा लेट हो गया शुरू करने में। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा होगा मुझे नहीं पता क्योंकि आज मेरा रूटीन बहुत सिंपल सा है। तो चलिए दिन भर बने रहिए, बिना स्किप किए आखिर तक बने रहिए और देखिए आज का दिन कैसे मेरा बीतता है। देख सकते हैं मेरे घर में कितना सारा फ्रूट्स इकट्ठा हुआ है। ये फ्रूट तो पहले का ही था, इधर देख सकते हैं इतना बड़ा हाथी का माथा की तरह एक वाटरमेलन है, इतना सारा फ्रूट्स है यहाँ पे। और देखिए वहाँ पे 3 पैकेट का फ्रूट्स है। वो कल मेरी ननद लोग जो आई थी वो लोग मेरे लिए लेके आए हैं, मैं मीठा नहीं खाती हूँ इसलिए फ्रूट्स लेके आए। 4 नारियल, बनाना, एप्पल यहाँ पे पड़ा है। तो चलिए आज पहले इस फ्रूट्स को थोड़ा बहुत खाते हैं, बचाते हैं इन लोगों को सारा ख़राब होने से, सड़ने से। को बहुत देर से आवाज़ दे रहे कि आइए आइए, पतिदेव देख सकते हो वहाँ पे बैठे हैं, मोरा बहुत देर से आवाज़ दे रहे आइए आइए। तरबूज को काटती है, थोड़ा सा खाते हैं, फल सारा सर रहा है, मैंगो भी सर रहा है आज। लेकिन पतिदेव एक बच्चा को लेके पड़े हैं, जो बच्चा बहुत ज़्यादा वायरल में है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री को क्या क्या बोल दिया पढ़ाने लिखाने का बाद, तो उसी में पतिदेव फिरा हो जा रहे हैं उस बच्चे के। अभी कुछ दिनों से उस बच्चे को एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग भी बुलाइए पतिदेव को, आइए ना बोले, देखते कब तक होता है। तो फाइनली पतिदेव तरबूज काट लिए हैं, मेरा कट रहा है तरबूज। पतिदेव हाय कीजिए, बहुत ही यम्मी और फ्रेश है। जैसे ही रूम चेंज करके हम लोग नया घर में जाएंगे, हम फ्रिज खरीदेंगे, वैसे ही हम बनाएंगे तरबूज से मोहब्बत का शरबत। बहुत मन करता है मेरा मोहब्बत का शरबत बनाने का, और अभी तक फ्रिज नहीं लिया ना यहाँ पे, इसीलिए नहीं बना पाते। नया घर में जाते फ्रिज ले लेंगे तब बनाएंगे। तरबूज खाने का भी ईटिंग स्वाद कर सकते थे, भाई के साथ कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, घर वाला सब देख के डांटेगा, इस कंडीशन में सब नहीं करना चाहिए, गला वाला में अटक जाएगा तो लेने का देने पड़ जाएगा ना। देख सकते हैं आप लोग, भाई साफ सफाई सब कुछ कर लिया है, भाई का काम लगभग ख़त्म हो गया है, अब खाना बनाना बाकी है। कुकर में ओल और आलू उबल चुका है, चावल बन गया, अब रोटी बनेगा, सब्जी बनेगा और करेला का भुजिया बनेगा। तो देख सकते हैं पति देव सोनू कुमार का वीडियो देख देख के परेशान अभी तक। तो चलिए हो गया साफ सफाई, अब किचन में चलते हैं, सब्जी उब्जी बनाते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, देर बज गया है, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स खाना सारा बन गया है मेरा, देख सकते हैं इधर एक है, उधर आटा है, उधर चावल है, सब बन गया। तो चलिए पतिदेव के लिए रोटी बना देते हैं और फिर झटाफट खाना दे देते कि बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश, और बारिश का मौसम में ये खाना तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये उस दिन लुलू मार्केट से ख़रीद के लाए थे कच्चा स्वीट कॉर्न है, तो भाई आज इसको पकाया है और पतिदेव हमको दिए खाने के लिए, चलिए इसको खाते हैं और बारिश का वेदर का मज़ा लेते हैं। तो बारिश रुक चुका है और अभी होने लगा है थोड़ा सा चाय का क्रेविंग, शाम को 7:30 बज गया है, तो चलिए थोड़ा सा चाय या ग्रीन टी कुछ भी बनाते हैं, पतिदेव को भी देते हैं और ख़ुद भी पीते, बहुत चाय पीने का मन कर रहा है।
हो गया कंप्लीट। तो हमको मुझे बहुत दिन से फेना भात खाने का मन कर रहा था। फेना भात मतलब वही कुकर का राइस, आलू, घी, मिर्ची, यही सब। तो आज भाई और हम वही बना लिए। तो भाई खा रहा है बाहर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हो रहा खा रहा है। तो मेरा भी यहाँ पे है, आ गया है खाना। पतिदेव का खाना कंप्लीट। पतिदेव अभी रिलैक्स फरमा रहे, कल से शायद ऑफिस है, शायद कंफर्म नहीं है पर शायद ऑफिस है, इसीलिए जल्दी जल्दी खा के सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक अगर कंटिन्यू किए हैं तो प्लीज़ छोड़ के जाने के पहले एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।